फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स आर, आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद अजरुद्दीन बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। महाराष्ट्र के एक ट्रेवल एजेंट ने अजरुद्दीन समेत तीन लोगों के खिलाफ औरंगाबाद के थाने में FIR दर्ज कराई है। दरअसल औरंगाबाद के दानिश टूर एंड ट्रेवल एजेंसी के मालिक मोहम्मद शादाब ने अजरुद्दीन पर 20,96,000 की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि उन्होंने अजरुद्दीन के पीए मुजीब खान के कहने पर अजरुद्दीन और दो लोगों के लिए पिछले साल नवंबर में अंतर्राष्ट्रीय टिकट बुक किए थे, जिसके पैसे उन्हें अभी तक नहीं मिले। हालांकि इन सब आरोपों को अजहरुद्दीन ने बेबुनियाद करार दिया है। उन्होंने कहा, मुझ पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। जिसने ये कहा है, जिसने ये किया है, केवल सुर्खियों में रहने के लिए किया है। मैं जल्दी ही अपने वकीलों से बात करूंगा और शिकायत दर्ज करने वाले के खिलाफ मानहानि का केस करूंगा। खबर के मुताबिक शादाब ने अजहर पर आरोप लगाते हुए कहा कि मैं उन्हें काफी सालों से जानता हूं और अब तक कई बार उनके लिए टिकट बुक कर चुका हूं। पिछली बार उन्होंने मुझे अजहरुद्दीन और अविकल के लिए यूरोप के दो टिकट बुक करने को कहा था, जो यूरोप जाने के लिए पहले मुंबई से दुबई गए और फिर वापसी के दौरान दिल्ली होते हुए मुंबई आए। इन सब का खर्च कुल मिलाकर 20,96,000 था। मुझे पहले कभी पैसे को लेकर कोई परेशानी हुई तो मुझे भरोसा था। शादाब खान ने शिकायत में आगे बताया कि उन्हें ईमेल करके जानकारी दी गई कि एक क्रोएशिया के बैंक से उनकी कीमत का 50% यानी कि लगभग 10,50,000 रुपए उन्हें भेज दिया गया है, जबकि ऐसा नहीं हुआ। शादाब ने उस बैंक में फोन करके पता किया तो उन्होंने साफ कहा कि कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है। इसके बाद उन्होंने FIR दर्ज कराने का फैसला लिया। वैसे इस पूरे मामले की अभी जांच चल रही है, तो देखना होगा कि इस पूरे मामले पर क्या फैसला आता है। अजरुद्दीन सही बोल रहे हैं या फिर ट्रेवल एजेंट? आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।